अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ आपके साथ फैजी शाह और मेरे साथ हैं शिकारी ग्रुप। और इस वक्त हम जो है ना रेडी रोड से निकले हैं विलासा की तरफ। विलासा जो है एक जज़ीरे का नाम है जो समंदर के अंदर बड़ा मशहूर जज़ीरा है, जहाँ पर शिकार वगैरह के जो है ना काफ़ी जो है वहाँ पर बड़ी बड़ी मछलियाँ मतलब वहाँ पर लगती हैं। आप जो है ना यहाँ पर आ भी सकते हो, आप देख भी सकते हो। बड़ा बेहतरीन निज़ाम है, बड़ा बेहतरीन जगह है और बहुत अच्छा सिस्टम है। और इस वक्त हम वहीं जा रहे हैं जज़ीरे की तरफ, हमारा सफ़र रवा दवा है और आपको हम रास्ते के बारे में बताते रहेंगे, साथ में जो है ना जज़ीरे के बारे में भी बताएंगे। इस वक्त देख सकते हैं जो रास्ता है ये जज़ीरे के बीचों बीच में से ही निकल रहा होता है और काफ़ी ख़तरनाक रास्ता भी है, इस वजह से कि यहाँ पर जो है ना पानी कहीं पर ऊँचा होता है कहीं पर नीचे होता है। तो ये जो कश्ती चलाने वाला होता है वो जो है ना उसी उन्हीं को पता होता है इन रास्तों का। बंदा का मतलब अपनी कोई बोट वगैरह लेके आ जाए तो वो नहीं जा सकता, काफ़ी मुश्किल हो जाता है उसके लिए। आपको जो है ना ये यहाँ पर किसी मुकामी बंदे की मदद लाजमी लेनी पड़ेगी जो जगहों पर आता जाता रहता हो। तो आप इंजॉय करें हमारे साथ। दोस्तों देख सकते हो आप जो है ना इस वक्त सफर नहीं है जा रहे हैं और ये हम दरख्त का रास्ता है। सामने से रिश्ते भी आती जाती रहती है, एक दूसरे को देख के जाना पड़ता है और वो स्लो रफ्तार से जाना पड़ता है। सफर भी काफ़ी लंबा है, तकरीबन 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं। लेकिन ये है कि इसमें मज़ा बहुत आता है, अपने सफ़र की तरफ। ये है कि मौसम बड़ा VIP है, मज़े वाला, और ये रास्ते से उतरते हुए ऐसे ही लगता है कि दुनिया से कट गए हों, अलग थलग किसी अलग जगह पे हम जा रहे हों। तकरीबन ऐसा होता है कि यहाँ पर ज़्यादातर नेटवर्क भी काम नहीं करता है क्योंकि सिग्नल वगैरह नहीं आते हैं और बंदे को ऐसे ही लगता है कि हम दुनिया से कट गए, एक साइड पर आ गए। तरफ झाड़ियाँ हैं बीच में जो है ना, और मुश्किल तब होती है जब अचानक किसी जगह पे पता चलता है कि पानी कम है। यहाँ पर बाज़ात कश्तियाँ फंस जाती हैं, वो तजर्बेकार बंदा हो साथ में जिसको पता हो तो वो जो है ना बआसानी यहाँ से निकल जाते हैं। बाकी कुछ देर में हम जो है ना खुले समुद्र की तरफ निकल जाएंगे और मेरे ख्याल में ये आ गया रहा। हाँ ये देख सकते हैं आप, अभी हम जो है ना खुले समुद्र की तरफ आ, सफ़र जो है ना बहुत आसान हो जाता है और चारों तरफ आपको जो है ना खुला नज़ारा देखने को मिल जाता है। आप ये पहुंच चुके हैं हम लोग दोस्तों, और इस वक्त जो है ना हम समंदर के पानी के अंदर जो है ना आ गए हैं। बहुत ही जो है ना खूबसूरत नज़ारा है,
दूर दूर तक पानी है, सामने और भी जगहें हैं। और ये हमारी कश्ती इस वक्त निकल आई है पानी में, खुले समंदर में, देख सकते हैं आप। बहुत VIP माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है। और ये जो है ना, हमारे दोस्त आ रहे हैं हमारे साथ शिकार करने के लिए, साथ में दूसरे बंदे का काम हो रहा है। वो उसके हाथ में डंडा होता है जिससे चेक करता है, तो निकल गए हैं अभी जान। देख सकते हैं जज़ायर हैं, मुख्तलिफ अलग अलग किस्म के जज़ायर हैं सारे। और ये अभी जो है ना आवाज आवाज हो गई, अभी कुछ तकरीबन एक घंटे काफ़ी अंदर जाने के बाद जो है ना हमें वो जज़ीरा विलासा जज़ीरा जो है ना हमें मिलेगा। काफ़ी अंदर जाना पड़ेगा अभी दोस्तों, साथ चलते रहें, हमारे वीडियो को एंजॉय करें, हमारे सुनने को एंजॉय करें। तब तक के लिए आप ये सुनेंगे म्यूज़िक। आप सबको पसंद आएगी, कोशिश की है वीडियो बनाने में गड़बड़ नहीं है, लेकिन आप दोस्तों से उम्मीद है कि आप देखेंगे, पसंद भी करेंगे। और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम जो है ना नई वीडियोस के साथ और नए जो है ना समुंदरी सफर के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आप लोग भी जो है ना हमारे लिए पसंद करेंगे, हमारे सफर को भी पसंद करेंगे, लेके आए हैं हम आपके लिए नया नया जो है ना समुद्रों के बारे में, जज़ीरों के बारे में, और इसके अलावा बहुत सारी जगह जैसे होटल वगैरह हो गए और घूमने फिरने की जगह होंगी, ये हम आपको जो है ना उन जगहों के बारे में वीडियोस बना के बताते रहेंगे। जैसे हमारा ज़्यादातर सिस्टम होता है समुंदर के तरफ करने का, शिकार का, इंशाल्लाह ये भी हम आपको जो है ना अपने सफ़र के बारे में और शिकार के बारे में बताते रहेंगे। आप लोगों को पसंद आएगा बहुत, ठीक है इंशाल्लाह दोस्तों, अगली वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।